दोस्तों, क्या आप जानते हैं 1970 भोला साइक्लोन एक विनाशकारी ट्रॉपिकल साइक्लोन था जिसने 11 नवंबर 1970 को वर्तमान बांग्लादेश और भारत के पश्चिमी बंगाल को प्रभावित किया था। यह अब तक का दर्ज किया हुआ सबसे घातक ट्रॉपिकल साइक्लोन और दुनिया की सबसे घातक प्राकृतिक आपदाओं में से एक है। इस तूफान में 50,000 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। यह 3 नवंबर 1970 से लेकर 13 नवंबर 1970 तक रहा था। इसमें हाईएस्ट विंड स्पीड 3 मिनट तक 185 किलोमीटर और 1 मिनट तक 240 किलोमीटर मापी गई थी। इसकी लोएस्ट स्पीड 960 एमबार थी। इसमें सबसे ज़्यादा क्षति बांग्लादेश, वेस्ट बंगाल और अंडमान निकोबार को पहुंची थी। इसमें टोटल 50,000 लोगों की जान गई थी। ऐसे ही साइक्लोन से जुड़े रोचक तथ्यों के बारे में जानने के लिए वीडियो में आगे बने रहें। नमस्ते दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं भारत में आए अब तक के सबसे डेडलीस्ट साइक्लोन्स की जानकारी। तो चलिए शुरू करते हैं। साइक्लोन क्या है? मौसम विज्ञान में एक साइक्लोन एक हवा का बड़ा मास है जो कम दबाव के एक स्ट्रॉन्गेस्ट केंद्र के चारों ओर घूमता है। जैसा कि ऊपर से देखा गया है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में यह क्लॉकवाइज घूमता है और सदर्न हेमिस्फेयर में यह एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। ट्रॉपिकल साइक्लोन हमेशा इक्वेटर के पास गर्म समुद्र के पानी के ऊपर ही बनते हैं। जब समुद्र के ऊपर गर्म नम हवा सतह के पास से ऊपर की ओर उठती है तो एक चक्रवात बनाती है। जब हवा समुद्र की सतह से ऊपर उठती है तो यह लो प्रेशर एरिया बनाती है और यह आसपास के क्षेत्रों से हवा को उच्च दबाव से कम दबाव वाले क्षेत्र की ओर ले जाने का कारण बनती है, जो आगे हवा को गर्म करता है और ऊपर उठाने का कारण बनता है। जैसे ही गर्म हवा ऊपर उठती है और ठंडी होती है, हवा में पानी बादल बनता है। बादलों और हवा की पूरी प्रणाली घूमती है और बढ़ती है। साथ ही समुद्र की गर्मी से पानी समुद्र से इवापोरेट होता रहता है। जैसे जैसे यह विंड सिस्टम बढ़ती गति के साथ घूमती है, बीच में एक आँख बन जाती है। चक्रवात का केंद्र बहुत शांत और स्पष्ट होता है। गर्म बढ़ते और ठंडे वातावरण के बीच तापमान के अंतर के कारण हवा ऊपर उठती है और साइक्लोन का निर्माण करती है। तो आइए जानते हैं भारत में आए कुछ ऐसे ही बेहद डेडलीस्ट साइक्लोन के बारे में जिन्होंने भारत को काफ़ी क्षति पहुंचाई। नंबर एक, हुदहुद साइक्लोन। अत्यंत गंभीर चक्रवाती तूफान हुदहुद एक स्ट्रॉन्ग ट्रॉपिकल साइक्लोन था जो अक्टूबर 2014 के दौर में पूर्वी भारत और नेपाल में व्यापक क्षति और जीवन की हानि का कारण बना। यह 7 अक्टूबर 2014 में प्रारंभ हुआ व 14 अक्टूबर 2014 तक रहा। इसकी हाईएस्ट विंड स्पीड 3 मिनट तक 185 किलोमीटर पर आर थी और 1 मिनट तक 215 किलोमीटर पर आर। इसका लोएस्ट प्रेशर था 950 एमबार। इसने 124 लोगों की जान ली। इससे अंडमान निकोबार, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, एमपी और यूपी और नेपाल में सबसे ज़्यादा क्षति पहुँची। नंबर दो, फैलिन। 1999 में ओडिशा साइक्लोन के आने के बाद मई 2019 में फनी साइक्लोन के आने से पहले तक यह भारत में सबसे ज़्यादा लैंडफॉल बनाने वाला एक तीव्र साइक्लोन था। यह 4 अक्टूबर 2013 से प्रारंभ होकर 14 अक्टूबर 2013 तक रहा था। हाईएस्ट विंड स्पीड 3 मिनट के लिए 215 किलोमीटर पर आर और 1 मिनट के लिए 260 किलोमीटर पर आर थी। लोएस्ट प्रेशर 940 एमबार था। इससे सबसे ज़्यादा ओडिशा और आंध्र प्रदेश इफेक्ट हुए थे। इसमें टोटल 46 जाने गई थी। नंबर तीन, फानी। साल 1999 ओडिशा साइक्लोन के बाद ओडिशा पर हमला करने वाला यह सबसे मजबूत ट्रॉपिकल साइक्लोन था। इसकी शुरुआत 25 अप्रैल 2019 में हुई थी व यह 5 मई 2019 तक रहा था। विंड स्पीड 3 मिनट तक 185 किलोमीटर मापी गई थी व 1 मिनट तक 280 किलोमीटर पर आर। इसका लोएस्ट प्रेशर था 932 एमबार। इसमें टोटल 89 लोगों की जान गई थी। नॉर्थ इंडिया में अब तक आए सबसे कॉस्टलियस्ट साइक्लोन में यह दूसरे नंबर पर है। इससे सबसे ज़्यादा नुकसान ओडिशा को हुआ था। नंबर चार, कोडिंगा साइक्लोन। 25 नवंबर 1839 को ब्रिटिश भारत के सदर्न ईस्टर्न कोस्ट पर एक बंदरगाह कोडिंगा नामक ट्रॉपिकल साइक्लोन से तबाह हो गया था। इसे 1839 इंडियन साइक्लोन के नाम से भी जाना जाता है।
ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकारी हेनरी पेडिंगटन ने अपनी रिपोर्ट में पहली बार 1789 और 1839 के तूफान से हुई तबाही को देखते हुए साइक्लोन शब्द का इस्तेमाल किया था। इस साइक्लोन शब्द का अर्थ ही सांप की कुंडली है। नंबर 5, अम्फान। अम्फान एक शक्तिशाली और विनाशकारी ट्रॉपिकल साइक्लोन था जो कि 2020 में पूर्वी भारत, विशेष रूप से पश्चिमी बंगाल, ओडिशा और बांग्लादेश में व्यापक क्षति का कारण बना। साल 1999 के ओडिशा तूफान के बाद ब्यह बंगाल में बना यह सबसे पहला सुपर साइक्लोन था। इसकी शुरुआत 16 मई 2020 में हुई थी व यह 21 मई 2020 तक रहा था। हाईएस्ट विंड स्पीड 3 मिनट तक 240 किलोमीटर पर आवर थी, 1 मिनट तक 260 किलोमीटर पर आवर थी। लोएस्ट प्रेशर पॉइंट 920 एमबार था। इसमें कुल 128 लोगों की जान गई थी। इसने सबसे ज़्यादा नुकसान वेस्ट बंगाल, ओडिशा, अंडमान निकोबार, बांग्लादेश, श्रीलंका और भूटान को पहुंचाया था। नंबर 6, 1999 साइक्लोन। 1999 ओडिशा साइक्लोन नॉर्थ हिंद महासागर में दर्ज सबसे तीव्र ट्रॉपिकल साइक्लोन था और इस क्षेत्र में सबसे विनाशकारी में से एक था। इसकी शुरुआत 25 अक्टूबर 1999 में हुई थी व यह 4 नवंबर 1999 तक था। इसकी हाईएस्ट विंड स्पीड 3 मिनट तक 260 किलोमीटर पर आवर थी व 1 मिनट तक भी यह 260 किलोमीटर पर आवर थी। लोएस्ट प्रेशर 912 एमबार था। इसमें टोटल 9887 लोगों की जान गई थी। इसमें भारत के वेस्ट बंगाल और ओडिशा सबसे ज़्यादा इफेक्ट हुए थे व साथ ही थाईलैंड, म्यांमार व बांग्लादेश को भी काफ़ी क्षति पहुँची थी। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करें और शेयर करें, और ऐसे ही अन्य जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।